पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत तबाही मचा रही है। भारी बारिश ने जिंदगी को तितर बितर कर दिया, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कई पहाड़ी राज्यों में तो पहाड़ दरकने की वजह से रास्ते ही पूरी तरह ब्लॉक हो गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है। कई इलाके पूरी तरह से देखिए कि पानी में डूब चुके हैं। झारखंड में तो भारी बारिश के बाद लगातार जमीन खिसकने की भी खबरें सामने आईं। और वहीं झारखंड में रामगढ़ जिले में जमीन खिसकने से मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में आए सैलाब में सड़क बह गई, जिसकी वजह से रूट का डाइवर्ट होना यहाँ पर लाजमी भी है। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की भी तस्वीर आपके सामने, यहाँ भी जमीन खिसकी, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। मध्य प्रदेश के श्योपुर की बात करें तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। श्योपुर में भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई, हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई। उत्तराखंड के कोटद्वार की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, यहाँ भी भारी बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ बारिश का मलबा देखिए लोगों के घरों में तक घुस गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है। कोटद्वार में तो दो ट्रक सैलाब के बीच कुछ इस तरह से फंस गए। और जानकारी के मुताबिक मालन नदी पर बने पुल के टूट जाने की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं प्रशासन जल्द ही वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की बात कर रहा है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिससे लोगों को आने जाने में थोड़ी सी आसानी जरूर सामने आए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर चुकी है। राजधानी लखनऊ में जगह जगह पानी भरने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आसमानी आफत किस तरह से यहाँ पर भी अपना कहर बरपा रही है, देखिए तस्दीक करती हुई लखनऊ की यह तस्वीर। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जो रास्ते में चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर भी असर नजर आया, और पानी भरने की वजह से जगह जगह जाम लगने की समस्या भी सामने आ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। बांकुड़ा जिले का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ के रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरह से रेलवे स्टेशन के पास की ये जमीन खिसकी और उसके बाद हड़कंप ही मच गया। रेलवे स्टेशन के पास बना पुल जमीन खिसकने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले ही इस पुल का निर्माण करवाया गया था, और अब हालत देखिए किस तरह से बारिश का ये कहर नहीं झेल पाया। पुल के टूटने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर अब भी सफर कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे।